पठान के लिए काय काय करने वाले, पैसे की गड्डी उड़ाने वाले मुसलमान भाई हमारे, आज कुरान जल गई है स्वीडन में, मुंह से कुछ नहीं निकल पा रहा। ईमान बचा है ना, मुसलमानों को दर्द होना बंद हो गया है। देखिए, इस तरह के लड़कों को तुरंत सजाया मौत दिया जाए, ऐसी सजा दी जाए जिससे लोगों को हिम्मत कभी भी किसी भी धर्म की चीजों को, ऐसी धार्मिक चीजों को होना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम रिएक्शन करने वाले एक हिंदू पंडित, इंडियन पंडित विजय शर्मा सेड द कुरान इज बर्निंग एंड द मुस्लिम्स आर स्लीपिंग। देखिए, ये कह रहे हैं कि कुरान जल रहा है। स्वीडन में जो केस हुआ था अभी जो कुरान जलाया गया था और मुस्लिम्स उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये इनको दुख हो रहा है। और ये पंडित जी है जो रो भी रहे हैं कुरान के जलने पे। देखिए, इस तरह के पंडित जी इंडिया के अंदर अगर है तो डेफिनेटली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इंडिया में कितने ज़्यादा भाईचारा है हिंदू और मुसलमानों में। और मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, आपके भी नॉर्मल, आप भी देखते होंगे कि हिंदू आपके लोगों के फ्रेंड्स हैं। देखिए, सिर्फ एक आप कॉमन बेस लेवल पे देखोगे या फिर पब्लिक लेवल पे देखोगे तो हिंदू मुस्लिम में किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं है, सब भाई 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 और भाई बहनों की तरह रहते हैं नॉर्मली अगर आप देखोगे तो। लेकिन जब इस तरह की चीज़ें हो रही है, कुरान को जलाया जा रहा है और मुस्लिम्स कुछ नहीं कह रहे हैं, इसका क्या रीज़न है? पंडित जी यही हमें समझाएंगे। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड तक आप ज़रूर देखना कम्प्लीटली, और अपनी राय ज़रूर लिख के बताना कि पंडित जी के बारे में आपकी क्या राय है और वीडियो के बारे में क्या राय है। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये गीता है और ये कुरान है, दोनों मेरे पास है, कुरान भी है गीता भी है। होता क्या है कि मैं अपने धर्म को फॉलो करता हूँ, मेरे धर्म में सिखाया गया है कि मैं सब धर्मों का सम्मान करूँ, मैं सबको मानूँ। बहुत अच्छी बात आती है कुरान को, जैसे हमारे यहाँ भगवत गीता है वैसे मुसलमानों की कुरान है। अब कुरान में ही कहा गया है, फर्ज कर दी गई है जो पांच चीजें, इसमें आपका ईमान आता है, नमाज आता है, रोजा आता है, जकात आता है, ऑप्शनल में हज आता है। पैसा हो तो कर लेना, मत हो तो मत करना। ये मुसलमानों को पता नहीं होता है, आजकल के मुसलमानों को पता नहीं है। पठान के लिए काय काय करने वाले, पैसे की गड्डी उड़ाने वाले मुसलमान भाई हमारे, आज कुरान जल गई है स्वीडन में, मुंह से कुछ नहीं निकल पा रहा। ईमान बचा है ना, ईमान मुकम्मल है, पूछ लो कि गायब हो गया ईमान। मुसलमानों को दर्द होना बंद हो गया है कि मुजराई करेंगे जाके इंस्टाग्राम में ऐसे ऐसे करके। अजाबे कहर नाजिल करवाओगे क्या बेशर्मो? अजाबे कहर नाजिल करवाओगे क्या? कितना बड़ा गुनाह है इस्लाम में ये तो पता नहीं होगा। आप सोचिए कि सभी धर्मों के युवाओं को पागलपन सवार है। आप देखो, आदि पुरुष बन गई है, हिंदू युवा चुप है, राम को ऐसे ही देख रहे हैं, रावण को पीटते हुए देख रहे हैं, ऐसे मुसलमानों में देखो खैर खापरा रही है। कि अभी इससे पहले भी सूडान में कुरान जलाई गई थी, मैंने बोला, आप बोले थे, काफी मैंने नेताओं को लिए देखा और भी मौलाना को देखा कि एक मौलाना भी क्या मजाक है। और इसकी तारीफ और इसके बारे में जब मोदी जी ने पढ़ा, उन्होंने जो मिस्र में बताया इस्लाम के बारे में, मैं तो खुश हुआ कि चलो वहाँ उन्होंने कपड़े से नहीं पहचाना इस्लाम को, वहाँ इस्लाम को उन्होंने देखा और ईमान से समझा। क्योंकि मुसलमान का मतलब मुसल्लत ईमान होता है, वही इस्लाम में लास्ट पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म होता है। मोहम्मद ही वही जाएगी जो अल्लाह को मानेगी या उनके रसूल को मानेगी, चाहे 73 फिरके हों चाहे 72 फिरके हों। 114 सूरे हैं, 6600 आयत, 6600 आयत है। मौलाना से ट्रेनिंग लेते हैं क्या पंडित जी? अरे भाई, कुरान से बढ़िया ट्रेनिंग कौन? अच्छा ये बताओ, हमारी जो किताबें हैं उनसे बढ़िया कोई ट्रेनिंग देगा? धर्म किताबों से बढ़िया कोई ट्रेनिंग मौलाना क्या बताएगा? वही जो कुरान में लिखा है। पंडित क्या बताएगा? जो गीता में लिखा है, रामायण में लिखा है, बताओ मौलाना को देख के आएंगे इस्लाम में लोग? अगर कुछ सीखना है, अगर मान लो किसी को देख के, हिंदू धर्म में कोई ऐसे पंडित को देख के जाएगा क्या? वो पढ़ेगा, समझेगा, नॉलेज लेगा और तब उस पर बोलेगा। पठान है झूमे जो पठान वाला है, सब इसमें घूम रहे हैं इसमें पठान में, और क्या कर रहे हैं भाई? नोट बुला रहे हैं, नोट पठान हिट करानी है शाहरुख खान को। शाहरुख खान भी ना बोला, आमिर खान भी ना बोला, ये एक्टर भी नहीं बोलते हैं, ये दिन पिक्चर हिट करा देते हैं अपनी। कोई भी इंडस्ट्री में है या मौलाना है या कोई भी जो बड़े बड़े अहदे पे है मुसलमान, कोई बोला क्या? ये उनसे उनको प्यार नहीं है। जैसे हमारा हिंदू चुप है आदि पुरुष पे, वैसे मुसलमान चुप है कुरान गलने पर। हो क्या रहा है? रूस ने भी ये बात कह दी है, पुतिन साहब ने, मैं धन्यवाद देता हूँ कि कोई भी अगर कुरान जलाएगा तो उसको सजा दी जाएगी, फांसी दी जाएगी। अच्छी बात है, मुसलमान तो मुझे लगता है कि सारी चीजें मुसलमान भूल गया है। नबी साहब की हदीस पढ़ना भूल गया है, कितने मुसलमान रोजा नहीं रखते, कितने से तुम्हें मिला हूँ, नबी को ही नहीं जानते, अल्लाह के प्यारे नबी रसूल को ही नहीं जानते भैया, मैं दूसरे की मुसलमान बेशर्म लोग। अगर जानते मुसलमान ईमान होता तो आज ये बोलते इस पर, भूल चुके हैं तभी तो नहीं बोल रहे हैं। सोचिए आप, पूरे विश्व के मुसलमानों ने बोला है, हमारे इंडिया का मुसलमान क्या है? इंस्टाग्राम चला रहा है, फेसबुक चला रहा है। आंदोलन होना चाहिए था इस पे। आप आंदोलन करते, दूतावास से नोटिस जाता स्वीडन को, नोटिस देती भारत सरकार, राजदूत वहां हमारा होता तो, और बिल्कुल सख्त
आदेश दिया जाता है कि ऐसी हमारे यहाँ के मुसलमानों का धर्म, लेकिन हमारा मुसलमान ही एकदम अच्छा खोया हुआ है। जब वो कुछ बोलेगा तब तो इसके लिए कुछ बोलेगा ना, वो बोले ही नहीं रहे कुछ इसके लिए, तो क्या ही मैं बोलूँ। नहीं तो उस पर एक एग्रीमेंट होता है ना भारत देशों का। बिल्कुल सोचिए कि एक पंडित होकर मैं कितना चीज चिंता करके यहाँ बोल रहा हूँ आपके बीच, बुलाया, चिंता किया, आदि पुरुष पे चिंता किया, उस पर इंटरव्यू दे रहा हूँ, इस पे दे रहा हूँ, धार्मिक अब ऐसे भी इसी इलाके वैसे ही खत्म कर दिया जा रहा है सब कुछ। तो आप देखो ना कि मुसलमान कहाँ खोया है, अजाबे कहर में खोया है, अजाबे कहर नाजिल है, जालिम बादशाह बैठा है, मजा ले रहा है, दीन इस्लाम से दूर है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा भाई, बहुत से ऐसे जालिम बादशाह हैं, खाली मोदी जी थोड़ी ना है, इशारा काफी होगा आपके लिए। अब इसे सब कोई बयान नहीं आया इस पर, बिल्कुल आना चाहिए। दलित, आदिवासी, पिछड़ा, माइनॉरिटी कोई भी हो, गलत इसके साथ भी होगा, बाल योगी महाराज हमेशा खड़ा रहा है, तो आप भी खड़े होइए। लेकिन ये सब चीजें जो हो रही है समाज में, वो तो नहीं होनी चाहिए ना। आप सोचिए कितनी बड़ी चीजें हो गई, कुरान जल रही है, खुलेआम कुरान जलाई जा रही है, सूडान में जल गई, अभी पोलैंड कौन था, पोलैंड में जल गई, उसके बाद यहाँ जल गई, मजाक बना के मस्जिद जल गई बिहार में, अभी राजस्थान में मस्जिद जल गई, क्या ही मजाक है। मुसलमानों से मान लो, मुझे मुसलमान को देख के हंसी आती है, मतलब वो मुसलमान मुसलमान नहीं रहा। हाँ सारी रील पे है, सारी रील पे, लड़कियों को हो, लड़कों को हो, कोई का हो, सब रील पे, मुसलमान लड़के, हिंदू लड़कियाँ खुद ज़्यादा ही रील बना रही हैं आजकल। मौलानाओं को है, घर की है, पंडितों की है, नॉलेज की है, अपने धर्म को ना पढ़ने की है, उनको अपने धर्म को पढ़ाया जाए, क्योंकि ये सब चीज़ें समाज में जो है। अब आप समझ लीजिए मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं कुरान को जलने पे जब याद करता हूँ तो फिर आप समझ रहे हैं कि फिर बोलना इससे बड़ी चीज़ में बोलना अच्छी है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको कुछ तथ्य दे सकूँ, पर मेरा बोलने की हिम्मत नहीं है। स्वीडन को देखो, स्वीडन का मामला जो है वो अपना अलग होता है, लेकिन ये सब चीज़ें तकलीफ देती हैं। स्वीडन पहले परमिशन देता है, देखिए इस तरह के लड़कों को तुरंत सजाया मौत दिया जाए, ऐसी सजा दी जाए जिससे लोगों को हिम्मत कभी भी किसी भी धर्म की चीज़ों को, ऐसी धार्मिक चीज़ों को वो ना कर सके। और जहाँ तक कुरान की बात रही, आँखें ही नम हो जाती है जब उनकी बात, भाई इतनी बड़ी चीज़ की बात करना, आसमानी किताब है कुरान, तो वेद और आपका इंजील, जो तौरात के लिए जिसके लिए तवाज़ु सबूरी सकीना की लड़ाई चल रही थी, जो आज भी इजराइल लड़ रहा है फिलिस्तीन से, वहाँ के मुसलमानों को देखो, बच्चे बच्चे लड़ रहे हैं अपने उस मस्जिद के लिए, मस्जिद अक्सा नाम है। ये सब चीज़ें पढ़नी चाहिए, हमारे मुसलमानों को तो पता ही नहीं होगा, इतना हमने बता दिया, इनकी तो जितनी बात करें पूरा दिन बीत जाएगा। और छोटी मोटी बात भी नहीं है, 23 साल लग गए हैं मुहाजत मोहम्मद साहब को कुरान उतारने में, कहाँ है मुसलमान? 50 वक्त की नमाज से 5 वक्त करा दिया, कहाँ है मुसलमान? और तो 5 वक्त भी भारी पड़ती है बेशर्मों को, मुसलमानों को। मुझे नहीं कहना चाहिए कि यार बिरादरी का मामला है, मुझे नहीं बोलना चाहिए इस पर, लेकिन बोलेंगे क्यों नहीं, इंडिया में रहते हैं। और कहीं ना कहीं मुसलमान अब भटक गया है, बेशर्म लोग धर्म के रास्ते से भटक के रील वील में जा घुसे हैं, उनको वापस आना पड़ेगा फोटो शूट से, कैमरे से, जो फोटो शूट रिकॉर्ड कराते हैं, यो ऐसे ऐसे करके, वो सबको हटाना पड़ेगा आजादी खैर को, और कुछ थोड़ा सा नमाज की तरफ आना पड़ेगा। तो नमाज आप पढ़ेंगे, पहले तो ईमान लाना पड़ेगा, फिर नमाज पढ़ेंगे, कलमा तक तो भूल चुके होंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी भूल गए होंगे ये लोग, तो मुसलमान लोग तो तभी तो ये सब कुरान पे नहीं बोल रहे हैं ना। कितनी बेशर्मी करेंगे भाई, कितनी बार कुरान जलने देंगे ये लोग, तो ये सब चीजें गलत है। मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बोला कि 4 बुक बहुत सही बात है यार, अल्लाह ने लिखी, पंडित जी ने बहुत सारी चीजें बोली है, अल्लाह ने लिखी, मतलब खुद अल्लाह ने लिखी है राइट, या तो अल्लाह रजनीश ओशो जैसे धरती पर आए होंगे इस बुक को लिखने के लिए, या उन्होंने स्वर्ग से इसको भिजवाया होगा, खुद लिखकर स्वर्ग में लिखकर इसको भिजवाया होगा, क्या बता सकते हैं इन दो में से कौन सा तरीका सही होगा? भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि अगर ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह इसके लेखक है, अगर लिखी है तो अल्लाह ने खुद धरती पर आके लिखी होंगी या स्वर्ग से लिख के भिजी होंगी? ये आपका सवाल बिल्कुल बजा है, क्योंकि आपको इस्लाम के बारे में पूरा इल्म नहीं है। जब हम कहते हैं ये अल्लाह की किताब है, किताब कहता हूँ, तो किताब के दो मानी होती है अरबी में, एक होता है बुक, एक होता है वही, जिसके मानी रेवलेशन है, आप समझे ना। किताब के दो मानी होते हैं, किताब मतलब बुक और किताब मतलब वही, अंग्रेजी में कहेंगे रेवलेशन। तो मैं जब कहता हूँ किताब, वो वही की शक्ल में किताब बन चुकी है, इसलिए मैंने कहा, जब मैं कह रहा था 4 किताबों में हमें यकीन है, तौरा, ज़बूर, इंजील और कुरान। तौरा वो किताब है जो अल्लाह ने नाजिल की मूसा अलैहिस्सलाम पे, अने वही के जरिए, वी बिलीव इन रेवलेशन, सो अल्लाह ने वही के जरिए नाजिल की अपने पैगंबरों पे। अल्लाह ताला को किताब लिखने के लिए खुद आने की ज़रूरत ही नहीं। अल्लाह ताला क्या करता है, अल्लाह ताला इंसानों में से एक आदमी को चुनता है
और उसके साथ एक हाई लेवल ऑफ कम्युनिकेशन करता है। आप समझे ना, मुझे आज कहने के लिए अमेरिका जाने की जरूरत थोड़ी है, फोन पे कह सकता हूँ मेरे भाई से। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने फोन के जरिए कुरान नाजिल किया, गलत मत समझिए, फोन तो अभी आया, अल्लाह ताला का कम्युनिकेशन फोन से हायर है। हम जब फोन से बात कर सकते तो खुद अल्लाह को आने की जरूरत क्यों? मुझे अगर कुछ पैगाम पहुंचाने के अमेरिका खुद जाने की जरूरत है, फोन पे कह सकता हूँ क्या नहीं, ईमेल है, फैक्स है। अल्लाह ताला इंसान से कई गुना क्या इंसान से कंपेयर नहीं कर सकते, ये कहना भी गलत है। अल्लाह ताला का मकाम एक दूसरा मकाम है। अल्लाह ताला ने वही के जरिए हायर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, एक वही के जरिए अपने पैगंबर को अपना पैगाम पहुँचाए। मिसाल के तौर पे कुरान, कुरान कैसे किताब की शक्ल में है, अल्लाह ताला ने वही के जरिए नाजिल की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोहराए। जब दोहराते थे क्योंकि अल्लाह के रसूल आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे, ना लिख सकते थे ना पढ़ सकते थे, वो लेके अपने साहबा अपने साथियों को, आओ लिखो इकरा, लिखो इकरा तो लिखते थे, दोहराओ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, पढ़ो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, तो वो कहते थे अपने ज़बान से, लोग जब लिखते थे बोलते थे दोहराओ और वो सुनते थे, सही है। इस तरीके से धीरे 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 22 साल में ये कुरान नाजिल हुआ। एक साथ में लिख के थोड़ी फर्क में लिख के भेजा या लेकर जैसा लिखता वैसा नहीं लिखा। सवाल जवाब का सेशन कोई अल्लाह के रसूल से पूछा कि मिसाल के सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 219 में, इन लोग जब पूछते शराब के बारे में तो ऊपर से वही आए, इन लोग जब पूछते शराब के बारे में कह दो शराब के अंदर नुकसान भी फ़ायदे भी है, नुकसान फ़ायदे से ज़्यादा है। सवाल जवाब इस तरीके से धीरे 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 22.5 साल में कुरान नाजिल हुआ। जब भी नाजिल होता था वो अपने साथियों से साहबा से कहते थे, वो लिखते थे, वो सुनते थे, सही है। इस तरीके से 23 साल में आस्ते आस्ते लेखक, मैं कहता हूँ हिंदी में बेस्ट इज, अरबी में कहेंगे ये अल्लाह का कलाम है, मतलब नॉट दैट ही रोटेड हिमसेल्फ, ही इज ऑथर। आप समझे ना, ऑथर मीन्स ही इज ओरिजिनेटर, कुरान ओरिजिनेटेड फ्रॉम हिम, दैट डजेंट मीन ही रोटेड विद हिमसेल्फ विद अ पेन, ही इज द ऑथर मीन्स दिस बुक कुरान इज अ वही, अ रेवलेशन रिवील्ड फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला टू हिज मैसेंजर एंड देन इट गिवन द बुक फॉर्म। ओके, तो आप लोगों को पता चला कि किताब किस तरह से उतरी है डॉक्टर जाकिर नायक के थ्रू, और जो पंडित जी ने बताया वो मुझे दिल को छू गई है यार। वे सारी बातें उन्होंने इतनी बातें बताई है कि मुस्लिम्स जो है यार क्या कर रहे हैं, स्वीडन में किताब जलाई जा रही है, बुक जलाई जा रही है, कुरान अल्लाह की किताब, ये बहुत बुरी चीज़ है और वो रो रहे हैं। और इस्लाम में कोई भी बड़े बड़े हस्ती इनके बारे में बात भी नहीं की है कुरान जलाने के बारे में, और इस तरह की चीज़ें कुछ नहीं हो रही है, तो ये दुख दिए चीज़ें हैं, हर मुसलमान को सोचना चाहिए। इन्होंने कहा है हर मुस्लिम ज़्यादातर सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट है, हालांकि चलो वो चीज़ हम तो नहीं कहेंगे कि वो चीज़ गलत है, बट आप अपने दीन को छोड़कर वो चीज़ कर रहे हो, तो दीन को छोड़कर करना वो चीज़ें गलत है। आप लोग अपने बुक को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, आपसे आपने ठीक है वो माना मैंने कि अल्लाह प्रोटेक्ट करता है कुरान को, लेकिन आपके सामने जलाया जा रहा है, आपको कोई ना कोई एक्शन तो लेना चाहिए कि स्वीडन में ऐसा क्यों हो रहा है, पोलैंड में भी जलाई गई थी, ये पहली बार नहीं है कि कुरान को जलाया गया है, उसको पैरों से कुचला गया है। कितनी अजीब और कितनी दुख दिया बात है ये कि उसको पैरों से कुचला गया है, इतनी बड़ी आसमानी किताब है। तो डेफिनेटली आप लोगों को ये चीज़ें गौर करनी चाहिए, और वीडियो के अंदर आप लोगों को समझ में आया होगा पंडित जी क्या बोल रहे हैं। अब पंडित जी की राय आप बताना, पंडित जी की क्या राय है आप लोगों के लिए, और पंडित जी के बारे में आप क्या कमेंट करके बताना, शेयर करना, लाइक करना, आप लोग शेयर जरूर करना वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक।